कैसे हैं आप सब? कितने अच्छे होंगे। वेलकम है आपको हमारे चैनल में। तो हम इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे और नहीं डालते हैं क्योंकि बहुत ही मजबूरी में है। सब वीडियो डाले होंगे, आपको पता होगा जो जो देखे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी में है दोस्तों। क्या बताएं आपको, बहुत ही ज़्यादा हमारी मीठी की तबीयत कोई ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है। और ख़राब क्या, बहुत ही नाजुक स्थिति है उसकी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्या होता है आपको, बस यही कहना चाहेंगे आपको दोस्तों कि हमारी मीठी के लिए दुआ करें कि जल्दी ठीक हो जाए। मीठी भी हॉस्पिटल से एडमिट होके एक हफ्ते पे आई हैं, तो एक हफ्ते बाद डिस्चार्ज हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे आई हैं, फिर भी तबीयत सही नहीं है इसका। देखिए यहाँ बैठी है, खाना खा रही है, खेल रही है। ये है हमारा छोटा, देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। बहुत ही परेशानी में हूँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी मीठी को बहुत ज़्यादा परेशानी है, आप लोगों से क्या सुनाऊं। इसको दिल की बीमारी हो गई है, पता नहीं था दोस्तों कि ये सब बीमारी है। इसको हम 3 साल से इलाज कराते थे, पर अभी हम बताए नहीं थे किसी से। पर 3 साल की हो गई हमारी बेटी, अभी नवंबर में हो जाएगी। पर 3 साल में हम इसको कभी नहीं ऐसे छोड़े हैं, हर वक्त इसका इलाज करवाते थे जब भी तबीयत खराब होता था। और पर्सनल डॉक्टर थे हमारे पास गुप्ता, जो बच्चों के ही डॉक्टर हैं, तो उनसे ही हम दिखाते थे। पर ऐसा कुछ पता नहीं था कि इसकी दिल की बीमारी है, पर अब जाके पता चला कि इसको दिल की बीमारी है। 15 दिन पहले जब हम गांव गए तब पता चला, गांव गए जाते ही इसकी स्थिति ख़राब हो चुकी थी। ट्रेन में ही इसको बीमारी होने लगी थी, थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो हम गांव गए तो दिखाए, फिर पता चला एक्सरे में कि ऐसी ऐसी बीमारी है। तो फिर आए हम लोग यहाँ, चले आए वहाँ से वापस, फिर इसको दिखाना पड़ा। फिर जैसे ही दिखाए एडमिट कर लिए इसको, फिर एक हफ्ते बाद आए हम। तो देखिए स्थिति तो थोड़ी, जब एडमिट हुई थी तो पहले से थोड़ी बेहतर थी, पर जब घर पे आई तो फिर तुरंत जैसे ही डिस्चार्ज हुई वैसे ही इसका बुखार और तेज़ी तेज़ी से सांस चलना, जैसे फसली चलना, इसका फसली चलना भी स्टार्ट हो गया। अभी तो बंद है, पर कल ज़्यादा चल रहा था जब निकली थी, आई थी, तो उसके बाद इसका फसली चलना चालू हो गया था। अभी तो सही है, खेल रही है, फिलहाल देखेंगे आगे। पता नहीं दोस्तों कि हमारी खुशी में किसकी नज़र लग रही है, नहीं बता सकते हैं। हमारी हम बहुत खुश थे, जो भी थे जैसा भी थे, पर हम बहुत खुश थे अपने बच्चों के साथ। और अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। देखिए क्या हो रहा है, डॉक्टर क्या बता रहे हैं, सुन सुन के तो हमारा दिल बहुत ही वो हो रहा है। क्या बताएं, क्या हो गई हमारी मीठी को, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। अब कोई नहीं, अब आप लोग, हो सकता है कि आप लोगों की दुआ की वजह से हमारी मीठी सही सलामत हो जाए हमारे पास पहले की तरह। बस दुआ कीजिएगा कि हमारी मीठी जल्दी सही हो जाए और जल्दी से उसका ऑपरेशन सही सलामत हो जाए, सक्सेस हो जाए ऑपरेशन से। दोस्तों कैसे पड़ी है हमारी बेटी, यहाँ पे देखिए इसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं रहा, नहीं इसके शरीर में वजन है। धीरे धीरे इसको ये बीमारी खाती रही है, हम लोगों को पता नहीं चला कि क्या करें। ये डॉक्टर से दिखाते रहे रेगुलर, हम सोच रहे थे कि बच्चों को डॉक्टर हैं तो अच्छे देखते हैं। बहुत भीड़ लगती थी उनके पास, बहुत बच्चे जाते थे। हम सोचते थे कि कोई बीमारी होगी तो ये बताएंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगे, एक्सरे उक्सरे कुछ नहीं कराए, क्या बताएं।